नमस्कार। अभी हम हैं सिवान के 110 बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से, और बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में हम सुबह का समय है 8 बजा है, और 8 बजे हम आए हैं अभी बढ़हरिया विधानसभा का। ये गांव है, कौन सा गांव है ये? भरतपुरा। भरतपुरा मठिया गांव है, बोर्ड लगा हुआ था बाहर। और गांव में हम जा रहे थे इधर से, तो रालोसपा के यहाँ से प्रत्याशी है वंदना सिंह कुशवाहा, जिनको टिकट मिला है। इनके पति हैं आपको हेमंत सिंह कुशवाहा, जो कि यहाँ से रालोसपा के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत दिन से ये रालोसपा में हैं, और इनको इनके पत्नी को यहाँ से टिकट मिला है। हम जानेंगे कि बहुत प्रत्याशी यहाँ पे, अलग अलग पार्टियाँ अपनी चुनाव लड़ रही हैं। महिला कैंडिडेट में ये मतलब प्रथम है, एक ही महिला कैंडिडेट है यहाँ से, वंदना सिंह कुशवाहा। ये क्या महिलाओं के लिए अलग करेंगी, और इनके पति से पहले जानेंगे कि क्या माहौल है आपके क्षेत्र में। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको भी, आपके सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है। इस बार जनता उन लोगों को मत नहीं देने जा रही है जो पीने पिलाने वाले काम कर रहे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। इस बढ़हरिया विधानसभा के क्षेत्र के लोग नहीं हैं। एक तो है तो आर्केस्ट्रा में लोंडा है, वो तो बेचारा आर्केस्ट्रा चलाता है, दारू पीता, उससे सिवा तो कोई काम नहीं है। इस बार जनता वंदना सिंह कुशवाहा को शिक्षित महिला को एक विकल्प के रूप में देख रही है। इस बार जोरदार समर्थन मिल रहा है, हर गांव में जाते हैं महिलाओं इनके साथ निकल जा रही हैं घूमने और घुमाने के लिए। महिला इनकी वोट, खुद अलग टीम बना बना कर महिलाओं ने वोट मांग रही है। जैसे श्याम बहादुर सिंह यहाँ से जो है पहले से विधायक है, और अभी भी उनका जो है, आप वीडियो देखते होंगे, उनका यही है कि हम जो है यहाँ से, हमको चुनाव हराने वाला कोई नहीं है। तो क्या इसको आप क्या बोलेंगे, घमंड बोलेंगे या क्या बोलेंगे? देखिए, ये हम नहीं कहेंगे, उनका एक अहंकार बोल रहा है, वो क्या बोलेंगे। इस बार उनको दम है तो जनता में जाए, जाकर देखे गाँव में, बहुत अच्छा से स्वागत करने के लिए लोग चप्पल का माला भी रखे हैं। हम तो कई जगह सुने भी हैं, जिस गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं, हम लोग देखिए माला बना बना रखे हैं। तो जाएं जनता में, जनता बता देगी कि आप इस बार जीतिएगा या हारिएगा, कौन जीतेगा हारेगा जनता के हाथ में। जनता वोट देगी और नेता बनाएगी, जो शिक्षित होगा, योग्य होगा, युवा होगा, उसको जरूर देगी। अब दारू पीकर सोने के लिए थोड़ी जनता वोट दे रही है आपको, बहुत दिन देख रही, इंतजार समझ दिया। 15 साल कम नहीं होता, एक बच्चा छोटा होता है और 15 साल में बहुत बड़ा हो जाता है, उसका विकास की कोई बात नहीं की आप, खाली डांस करने में, ठुमका लगाने में व्यस्त है। और दूसरा है, दूसरा तो बस सिर्फ आया है बाहर से, वो चला जाएगा चुनाव के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश यूपी में, सारे यूपी के लोग उसके साथ घूमते हैं। उसके साथ तो न बढ़हरिया विधानसभा के लोग हैं, वो तो बाहरी यूपी या गुठनी का लोग घूमते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है उसका। जैसे आरजेडी से प्रत्याशी बाहर से आए हैं, इनका ये कहना है, हम अभी इनसे ये बात करेंगे कि इनके रालोसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उनकी क्या अपनी जो है अलग, सभी से अलग विचार है, और क्या इनको आदेश मिला है कि आप जाके जनता के बीच बोलेंगे। देखिए, हमारी मुख्य मुद्दा है, अगर हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतती है, जनता समर्थन दे रही है, तो सबसे अहम मुद्दा होगा शिक्षा में सुधार, क्योंकि बच्चों को भविष्य को उज्जवल करना है तो शिक्षा में सुधार करना ही पड़ेगा। युवाओं को उज्जवल भविष्य को कामना करते हैं, शिक्षा को सही करके ही कामना कर सकते हैं। अगर शिक्षा सही नहीं होगा तो बच्चे को भविष्य अंधकार की तरफ चला जाएगा, जा रहा है। और दूसरा है स्वास्थ्य, इंसान के, हर एक इंसान के जीवन में स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। इस बार स्वास्थ्य विभाग का पूरा पिटारा खुल गया इस कोरोना महामारी में। और तीसरा आपका मुद्दा देंगे युवाओं को रोजगार, हमारे युवा साथी यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बिहार से बाहर जाते हैं, यहाँ क्या जो फैक्ट्री थी वो बंद पड़ गई, यहाँ हम कंपनी व्यवस्था लगाएंगे, कंपनी को बुलाने के लिए इन्वाइट करने जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे,
जैसे आप गांव में जा रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे थे, तो हमको यहाँ पे आए तो एक चीज दिखाई दिया, इनके पीछे थोड़ा सा साइड भेजे, और ये गांव है, ये आपको गांव दिख रहा है, और देखिए यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी अभी पीछे में थे, और ये शिक्षा का ऐसा व्यवस्था है, मतलब गाँव में लोग ऐसे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं यहाँ पे, तो ये कुछ इसमें अलग करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब इनको ये है कि अब और शिक्षा व्यवस्था बढ़िया किया जाए। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी केवल आपके पास महिला प्रत्याशी जो आपके पास है, तो कितना लोगों में उत्साह है कि महिला प्रत्याशी को? देखिए, महिलाओं प्रत्याशी होने के नाते स्वाभाविक है उत्साह होना। जो 50% आबादी जो है महिलाओं की, जो घर के चौकट के अंदर रहती हैं, उनको तो कभी आजादी मिल नहीं रहा था, लेकिन हमने पहल किया इस क्षेत्र के लिए, जो अपने पत्नी को उतारा इस मैदान में, उतार कर कहे जो आप जाइए, आप महिलाओं के लिए आवाज उठाइए, हम जन पुरुष के लिए आवाज उठाएंगे, युवाओं के लिए उठाएंगे, आप 50% आबादी का तो नेतृत्व कीजिए अभी तक। और महिलाओं, जो भी महिला है इस क्षेत्र को, विधायक जी का चेहरा भी नहीं देखी है, लेकिन हम अपने धर्मपत्नी को कहते हैं तुम जाओ घर में जाकर अपने महिलाओं को देखो और चिन्हाओ और चिन्हो जो हम ही होने जा रहे हैं प्रत्याशी, आप हम लोग मदद कीजिए, वोट दीजिए, ताकि आपकी एक महिला ही महिला का दुख समझ सकती है जो कितना कष्ट है, आज कहीं शौचालय नहीं, कहीं महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं, इसीलिए हम महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हम इनके पति से बात कर रहे थे, अभी हम प्रत्याशी जो 110 विधानसभा बढ़रिया क्षेत्र से हम वंदना सिंह कुशवाहा, इनसे जानेंगे कि क्या ये मतलब नामांकन कर चुके हैं, क्षेत्र में है, लगातार सुबह का समय है, तो इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, जब जनता के बीच आप जा रही हैं, तो जनता पूर्व के विधायक मतलब अभी जो विधायक हैं उनके कार्यों को कैसे बता रहे हैं और आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। इस चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अभी मैं दर्जनों गांव का विजिट कर चुके हैं, कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं रिस्पांस मुझे अच्छा मिल रहा है। जो मेरी माता है, बहन है, वो आवाज़ उठा रही हैं कि नहीं, महिला को ही आगे बढ़ाना है और महिला को एक कदम से कदम मिला के हम लोग को चलना है, एक साथ हम लोग किसी से कम नहीं है। जैसे आप, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप महिला कैंडिडेट आप ही हैं, और हमारे जो बहन बेटियाँ हैं गांव में, उनके लिए कितना, जैसे एक शौचालय का व्यवस्था किया गया यहाँ पे, 16 शौचालय गांव-गांव में बनाया गया, अभी भी आप देख सकती है यहाँ पे गांव में कितना गांव ओडीएफ घोषित हुआ, लेकिन उसका कोई धरातल पे उपयोग नहीं। आप कितना अलग करेंगी अपने बेटियों और बहनों के लिए, जैसे आप अभी बोल रही थी घर घर जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों को बोल रहे हैं कि हम पे आप विश्वास कीजिए और क्या करेंगे? देखिए, जनता जो है, जनता ये चीज़ चाह रहा है कि विकास हो, जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिस जो भी जनता है वो यही आवाज़ उठा रहा है कि कहीं कुछ विकास नहीं है, और महिलाओं के लिए शौचालय का तो कहीं व्यवस्था ही नहीं है ढंग का। जो मेरी बहन है, जा रही है रास्ते पे, कहीं शौचालय का व्यवस्था नहीं है, स्कूल में भी वही हाल है, नहीं पानी पीने का ढंग का व्यवस्था है, नहीं शौचालय का व्यवस्था है। लड़कियाँ, देखिए लड़की को लेके आजकल बहुत समस्या है, जो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, उन लोगों को लेके अगर कहीं निकल भी रही हैं तो डर से निकल रही हैं, तो ये सब भ्रष्टाचार को हम लोग को मिटाना है, एकता बना के, एकता के साथ भ्रष्टाचार मिटाना है। सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि आप जनता के बीच जा रही हैं, जनता आपको सपोर्ट कर रही है, जनता आपको चुन के विधानसभा भेजेंगी, अगर जनता भेजती है आपको विधानसभा चुनाव में, 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, आप प्रत्याशी यहाँ से हैं, आप विधायक बनती हैं, सबसे पहले आपका क्या रहेगा जनता के बीच, आप सबसे पहला कार्य आपको क्या दिख रहा है? मेरा जो सबसे पहला जो प्राथमिकता है वो है शिक्षा को पूरा तंदुरुस्त करना, स्वास्थ्य को तंदुरुस्त करना, और बेरोजगारी को कोसों दूर भगाना, हम लोग का यही मुद्दा है, इसी मुद्दा को लेकर हम उतरे हैं और इसी को लेकर फ्लोर करते रहेंगे कि इसको पूरा विकास करें। अन्य प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, उनसे कितना अलग आपको लोग सपोर्ट, ये जनता निर्णय ले रहा है कि किसको सपोर्ट कर रहा है, मेरी जो लड़ाई है वो जनता ही लड़ रही है। कहीं ना कहीं लोग अब समाज में शिक्षा को महत्व देना स्टार्ट कर दिया है, मतलब अलग प्रत्याशी देखना चाहते हैं। जी जी, प्रत्याशी इसलिए अलग देखना चाह रहे हैं कि कोई भी अभी जो प्रत्याशी जो
जब बहादुर जी हैं वो कितना विकास किए हैं, जनता ये चीज देख रहा है कि 15 साल विधायक रह चुके हैं जिसमें 10 साल बढ़िया में विधायक रह चुके हैं, तो 10 साल में कितना विकास हुआ है ये जनता देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम थे इनके वंदना सिंह कुशवाहा के साथ, यहाँ पे और लोग ग्राम में मौजूद हैं जिनके साथ मिलने आए हैं, हेमंत सिंह कुशवाहा और वंदना सिंह कुशवाहा, इनसे भी हम जो वरिष्ठ लोग हैं इनसे जानेंगे, इसलिए कि चुनाव का जो माहौल होता है वो गांव के वरिष्ठ लोग ही बताएंगे, क्योंकि देखिए जिनका वरिष्ठ लोग हर माहौल भाव के ही चलते हैं। तो हम आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं। मेरा शुभ नाम आरण कुशवाहा, राजनारायण प्रसाद कुशवाहा हुआ, और मैं इनका ब्लड रिलेटिव भरपूरा का रहने वाला हूँ, एक शिक्षक का मैं काम कर रहा हूँ, शिक्षक के कार्य कर रहे हैं। अभी वंदना जी ने बोली कि जो है शिक्षा को और तंदुरुस्त करना है, क्या माहौल है आपके पूर्व के जो विधायक हैं, क्या आपके यहाँ शिक्षा में क्या? हम आज तक उस जनपद के जब गए तो हमारे यहाँ आए नहीं, और उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, उनको पीने से मतलब है, शराब से मतलब है ना, और अपने जात से मतलब है। ऐसे विधायक को हम लोग नहीं, हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, बेरोजगारी दूर हो, और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, और लोग उनके बातों को माने और उनके पीछे पीछे चले, और विकास की बात हमेशा सोचे, हम लोग यही चाहते हैं विकास की बात सोचे। अभी देखिए यहाँ पे और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे पीछे आपको क्लास भी चल रहा है, आपका शुभ नाम क्या होगा? शुभ नाम सुदामा प्रसाद होगा, भरतपुरा से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बंदना जाते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि बंदना जी बार और अच्छा काम हो, कभी अभी जो काम हुआ है कोई बना अच्छा काम नहीं हुआ है, सबको ज़्यादा काम नहीं हुआ है, हमारे यहाँ नल जल काम हुआ है, पानी नहीं है, विधायक की प्रति तक नहीं है, और 15 साल में हमको लगता है कि एक दो बार कहीं आए होंगे वही दावत वगैरह कैसे आते हैं, इसलिए हम उनसे छूट हैं, इसके चलते नीतीश कुमार से बोलने के साथ सरकार बदलने के मूड बदलेंगे। तो यहाँ पे साल यहाँ सिवान के सिवान जिला से करीब करीब 5-7 बसी यहाँ, ये मतलब कन्फर्म बात सिवान हो गया, ये सब हाथों से निकला है। तो ये था माहौल। अभी हम आपको थे बढ़रिया 110 विधानसभा क्षेत्र से, कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा ठीक, तो ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र से अलग प्रत्याशी के साथ। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।